हाय विभिन्ति की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम रसगुल्ले बनाएंगे। अभी गणेश फेस्टिवल चल रहा है, हमने भी अपने घर पे गणेश जी बैठाए हैं, तो इसमें आज हम रसगुल्ले बनाएंगे। रसगुल्ले लगा के गणेश जी को भी भोग लगाएंगे और आप लोग भी ये विधि देख के बनाएंगे तो व्रत में भी काम आते हैं। आम तो बनते ही हैं अपने, जो रियल रसगुल्ले की, इसमें रसगुल्ले की रेसिपी है वो आज हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए हमने 2 लीटर ये दूध लिया है जिसको हमने गर्म कर लिया है, 1 कप विनेगर लिया है और 1 किलो ही शक्कर लिए है और 5 अरेठे को हमने बीज निकाल के पानी में भिगो दिया है। इलायची पाउडर है और ये हमारा रोज वाटर है और ये गर्म पानी लिया विनेगर को डाइल्यूट करने के लिए, थोड़ा लुक वार्म पानी है। अब हम सबसे पहले इसमें विनेगर मिलाएंगे। अभी हमारा विनेगर इसमें डाइल्यूट हो चुका है। ये हो चुका है। अब जब मैंने दूध गर्म करके रखा था हमने, ये देखो दूध एकदम उबलता हुआ दूध है, इसको हम विनेगर डाल के फाड़ेंगे। ये देखो हमारा दूध फटता जा रहा है, ये हम सारा पानी इसमें पोर कर देंगे। अब आप देखिए ये दूध अलग और पानी, ये सब, ये दूध दूध का जो छेना है वो नीचे बैठ रहा है और पानी पानी ऊपर आ रहा है। अब ये हमारा पूरा दूध का छेना बन चुका है, अब हमारा छेना पूरा नीचे बैठ चुका है। अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे, इससे क्या होता है कि छेना हमारा कड़क नहीं जाता है, नहीं तो ज़्यादा गर्म गर्म पहना छेना होता तो वो कड़क बन जाता है। अब हम इसको छानेंगे। हमने छानने के लिए ये जाली स्ट्रेनर लिया है ये वाला और ये एक पतला मलमल का कपड़ा लिया है, कपड़े में ले लिया है। तो इसको ऐसे करेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा दूध, एक्स्ट्रा पानी और विनेगर है वो सब निकल जाएगा। आप देखिए इसमें से पानी आ रहा है और अब अभी पास में भगोने में ठंडा पानी ले लिया है, ठंडे पानी में से हम उसको अभी हम थोड़ी देर इसको ऐसे बांध के रख देंगे तो इसका सारा पानी निकल जाएगा। जाली के ऊपर ऐसे हमने रख दिया है जब तक हम हमारा शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई लिए, कढ़ाई गरम करके गैस पे कढ़ाई में पानी रखा है, 800 ग्राम के करीब पानी डालेंगे और उसमें हम 1 किलो शुगर डालेंगे क्योंकि शुगर ज़्यादा, इसलिए हमको शुगर सिरप बनाना पड़ता है कि इसी में शुगर में ही बॉइल होते हैं और शुगर में इनको डालना पड़ता है, इसलिए शुगर हमेशा चाहिए और डीप भी उसमें ही रहते हैं ना। हमारा शुगर सिरप तैयार हो रहा है, जितने हम ये अभी छेना हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम थोड़े से मसल के इसका डो बनाएंगे। ये कपड़े में ही इसको मसल के डो बनाना है, अगर हम थाली में लेंगे तो ये सूख जाएगा, इसकी जो नमी है वो गायब हो जाएगी, इसमें इसकी नमी कायम रहनी चाहिए। अब हमारा ये छेना तैयार है, ये आप देखिए कितना स्पंजी बना है, ये देखिए आप एकदम से प्लफी हो गया है। अब हम इसको पोर करेंगे। शुगर सिरप तैयार हो गया है, इसको हमने आधा आधा कर लिया है क्योंकि जो कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे उसमें अरीठा का लिक्विड डालेंगे, अरीठा जो भिगो रखा था, और उसको निकाल के भी हमको शुगर सिरप में ही लेना है, इसलिए हमने इसको थोड़ा एक भगोले में भी निकाला है और अब कढ़ाई में हम गोलियां बना के डालेंगे। तो सबसे पहले मैं अरीठे का पानी जो हमने बताया था ये 2 चम्मच इसमें डालती हूँ। अब मैं इसके अंदर छेने की गोलियां बना के डालूंगी। हमने छेने में किसी भी प्रकार की कोई दूसरी चीज़, मैदा, सूजी या अरारोट कुछ भी काम नहीं लिया है, ये व्रत में बहुत अच्छे से काम आता है। कोई भी ये बिल्कुल 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 हलवाइयों जैसी स्टाइल में बना रही हूँ, तो आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। अब जो हमारा छेना था उसमें से हमने गोलियाँ हमने तोड़ ली है और ये देखिए ये हमने ऐसे एक गोली बना के उसमें हम रखते हैं। गोलियां बना दी हैं, अब हम इसके ऊपर ढक्कन डाल के इसको 7 से 8 मिनट तक बॉईल करेंगे। अभी हमको 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे रसगुल्ले बन के तैयार हैं। ये जब इसको कैसे पक गए वो देखना, तो एक तो हमारे रसगुल्ले सब नीचे बैठ गए हैं
और जब हम इसको ऐसे लेंगे, देखो ये तो इकट्ठे नहीं होने चाहिए, अगर वो इकट्ठे होते हैं तो समझो कड़क कच्चे हैं। अभी थोड़े से हमको साइज करने पड़ेंगे ये, थोड़ा सा दो मिनट और करके। और ये मैं चाशनी है, ये देखिए हम इस जो चाशनी हमने अलग रखी थी उसके अंदर हम पोर कर रहे हैं इसको। अब ये रसगुल्ले हमारे बिल्कुल रेडी हैं, अभी तो गर्म है, वैसे खाने के लिए थोड़े फ्रिज में दो घंटे के लिए हमको ठंडे करने पड़ेंगे, पर उससे पहले हम इसमें गुलाब जल डालेंगे, थोड़े से केसर की ये डालेंगे। अब हम इसको बहुत ही अच्छे, बहुत ही सॉफ्ट, आप देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, एकदम स्पंजी बने हैं, और व्रत में भी खाने के मतलब खाने खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई सूजी मैदा अरारोट कुछ भी काम नहीं लिया है, और बहुत ही अच्छे बने हैं फ्रेंड्स। आप ज़रूर ये मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और मैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा मुझे, प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो कमेंट शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।